हेलो जी, तो अब मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। मैंने बताया था कि मैंने रूट कैनाल कराई थी और उसके बाद मेरी जो पेन है वो ख़त्म नहीं हुई थी, कैप भी चढ़वाया था बट कुछ गड़बड़ थी। तो फिर मैंने किसी और डेंटिस्ट से कंसल्ट किया, तो जब उन्होंने सारा देखा तो उन्होंने ये देखा कि जिस डॉक्टर ने मेरी पहले की थी रूट कैनाल, उन्होंने कुछ नहीं अंदर किया हुआ था, तो सिर्फ पैसे ही लिए थे। तो मेरा दोबारा से प्रोसीजर शुरू हुआ है रूट कैनाल का। तो अब जो है जा रही हूँ मैं, अपॉइंटमेंट है मेरी डेंटिस्ट के साथ, ये मेरी सेकेंड सिटिंग है। चलो देखते हैं, होपफुली अब ठीक हो जाए। जी, तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। जो पहले मैंने रूट कैनाल करवाया था वो बिल्कुल जिस डॉक्टर से करवाया था उस डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया था। वो उन्होंने मेरे खुद के साथ काफ़ी गड़बड़ कर दी थी, जो कि मुझे दूसरे जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, जिनको मैं अब कंसल्ट कर रही हूँ। कल मैं गई थी, कल मेरी सिटिंग थी, तो जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट किया हुआ, बट जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मेरी सिटिंग जो थी वो 7th को थी, बट क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है तो उससे जा रही हूँ उनके पास। लेट्स सी व्हाट शी सेज। हम एक फेथ के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, जो भी है ना। बट जो अगर सामने से जो डॉक्टर है वो इतना ज़्यादा फ्रॉड करे तो क्या ही कहने। तो अब देखो, दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है मैंने, करवाया है, अब होपफुली होप है कि अब ठीक हो जाए। नहीं तो उस डॉक्टर की वजह से मेरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अंदर जो है किया तो रूट कैनाल तो की नहीं, और वो जो टूथ है वो काफ़ी देर ओपन रहा, जिस वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है मेरे टूथ में।